अम्बाला में आज अलग सुबह से राहत की फुहारें पड़ी, जिससे मौसम सुहावना हुआ। वहीं लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली। हल्की बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट हुई। वहीं लोगों को बरसात में भी छाता लेकर सैर करते हुए देखा गया। लोगों का कहना है कि पिछले सवा माह से भी ज्यादा हो गए भीषण गर्मी सहन करते हुए, लेकिन इस हल्की बरसात ने गर्मी से राहत दिलवाई है। इस बार गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और पिछले एक माह से लोगों को भीषण गर्मी सहन करनी पड़ रही है। तापमान भी 40 डिग्री से ज्यादा रहा। हीट वेव का असर भी इतना रहा कि लोगों को ज्यादातर घरों में ही रहना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को अलर्ट किया कि वे ज्यादातर घरों में ही रहें। बहुत जरूरी हो तभी मुंह सिर को ढक कर ही निकले। लेकिन कल शाम से अचानक ही मौसम ने करवट ली। जहां कल शाम तेज हवाएं चली तो रात होते होते हल्की बरसात भी हुई। इसी तरह से आज भी सुबह से ही पहले तेज व फिर हल्की बरसात होती रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। इंसान ही नहीं, तालाब में तैर रहे पक्षियों ने भी इस हल्की बरसात में पानी में ही इस बरसात का लुत्फ उठाया। सुबह की सैर भी लोगों ने छाता लेकर की। अपने परिवार के साथ छाता लेकर सैर कर रहे व्यक्ति ने बताया कि पिछले लगभग सवा माह से भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान भी इतना हुआ इस बार की पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आज हुई बरसात से तापमान में गिरावट महसूस हुई। वहीं गर्मी से राहत महसूस हो रही है। उन्होंने बताया वे सैर करने आए हैं बरसात के कारण, वे छाता लेकर सैर कर रहे हैं। सवा महीने से पिछले गर्मी ने इतना बुरा हाल कर रखा था कि बैठने में सोने में बड़ी दिक्कत थी, बिजली की प्रॉब्लम भी थी। और अब जो है रात से जो है मौसम बदला है और रात भी थोड़ी बारिश हुई और सुबह जो है बारिश हो रही है, इससे जो है थोड़े एक तो गर्मी में आराम मिलेगा और बहुत अच्छा लग रहा है। डेली सुबह के टाइम हम आते हैं सैर करने मंदिर में, माथा टेकने, पटेल पार्क मंदिर में।